अधिकारी एंड आई मेक कॉन्टेंट ऑन ब्यूटी फैशन एंड लाइफ स्टाइल दो न्यू ईयर अवेरी वॉर्म वेलकम टू अवसम ट्राइज तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मामा सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक्स की आई नो आप लोग यहाँ पे स्वाचेस देखने के लिए आए हो तो पहले मैं स्वाचेस दिखाती हूँ देन इसके बारे में बात करेंगे ये जो इनका रूबी रेड शेड है ना उसको ये लोग मैक के रूबी रेड के शेड का ड्यूब बता रहे हैं तो मेरे पास तो मैक का शेड नहीं है इनफैक्ट मेरे पास मैक का कुछ भी नहीं है तो जिन लोगों के पास है मैक का रूबी रेड शेड मुझे कॉमेंट में बताना है सच में उसका ड्यूब है या नहीं ये लिपस्टिक्स नाइन डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है जिसमें से पांच मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ तो so गाइज आप लोग अब तक स्वाचेस देख चुके हो मैंने नेचुरल लाइट और स्टूडियो लाइट दोनों में ही दिखाया है इसमें है जो ऑयल दैट स्मूदन एंड सॉफ्ट एंड वाइटमिन ई फॉर मॉइस्चराइजेशन प्लस इन्होंने बोला है कि 90% परसेंट वीमेन ने बोला है दिस लास्ट फॉर 12 आवर्स इट इज वॉटर प्रूफ और कलर पे ऑफ इसका इंटेंस है विद वन स्ट्रोक ऑल्सो इनकी जो कंज्यूमर टेस्टिंग है वो थर्टी थ्री सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है तो ये तो थे ब्रांड प्रोमिस अब मैं बात करूंगी अपने एक्सपीरियंस की तो ये लोग बोलते हैं ट्वेल्व आवर्स स्टे गॉड लाइक इट डज डे टर्स ट्वेल्व आर्स क्या है oh like, 12 hours. 12 hours ये चार घंटे भी नहीं रहती ओके okay, तो मैं बताती हूँ मैंने दो दिन इसको ट्राई करा तो फर्स्ट डे जो मैंने इसको ट्राई करा ना देखो मैंने किसी भी दिन कोई लिप प्रिपरेशन नहीं करी कुछ प्राइमर नहीं लगाया कुछ नहीं लगाया मैंने नॉर्मल लिप्स पे डायरेक्ट लगा लिया तो फर्स्ट डे जब मैंने लगाया अजीब से ऐसे निकलने नहीं लग जाती ऊपर से लिप्स के अंदर से अजीब अजीब से निकलने लग जाती है तो फिर वो निकलने लग गई तो वो दो तीन घंटा हार्डली लास्ट करी तो मैंने उसको रिमूव ही कर दिया था तो आई थॉट ठीक है लेट्स ट्राई अगेन तो तो मैंने दोबारा नेक्स्ट डे ट्राई करा क्योंकि कभी कभी लिप्स अजीब से हो रहे होते हैं कैन बी अगेन जब मैंने इसे नेक्स्ट डे लगाया ना तो भी मैंने कोई लिप प्रिपरेशन नहीं करी बिकॉज जनरली लोग नहीं करते दे डायरेक्टली अप्लाई द लिपस्टिक ठीक है तो मैंने वैसे ही करा और मैंने नॉर्मल लिपस्टिक अप्लाई करी अगेन सिक्स पी तो मैंने अप्लाई करी तो ये लास्ट करी अराउंड टेन टेन थर्टी तक लेकिन आ, इस बारी ये प्रीवियस डे की तरह अजीब सी निकली नहीं वो थी लिपस्टिक लगी हुई थी बट बहुत ही ज्यादा लाइट हो गई थी मतलब यू विल हैव टू वैसा तो काफी हद तक मतलब निकल चुकी थी पर लिप्स अजीब से नहीं हो रहे थे नॉर्मल थे तो ये तो डेफिनेटली है कि ये बारह घंटे तो बिल्कुल भी लास्ट नहीं करती जो इनका मेन सेलिंग पॉइंट है नाइन ये लोग नाइन ए टू नाइन पी करके सेल कर रहे हैं नहीं कर रही है ठीक है उतना लॉन्ग स्टे नहीं है इसका हाँ चार घंटे तक बहुत आराम से आपके स्टे करेगी लेकिन आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा देखो उस चार घंटे में मैंने खाना भी खाया पानी भी पिया क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग खाना पानी के बिना रह लोगे इतनी देर ऑब्वियसली यू विल हैव टू ईट समथिंग और ड्रिंक समथिंग तो लिपस्टिक इन सब एक्टिविटीज के साथ भी लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए तीन चार घंटे ही स्टे कर पाएगी उसके बाद आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा और इसका एम है आई गेस थ्री इसका एम है तो इस रेंज में जो लिपस्टिक्स आती है ना वो हार्डली डेढ़ या दो घंटे तक लास्ट करती है तो उसके कंपेरिटिवली मैं बोलूंगी कि हाँ इसका पे ऑफ ठीक है तीन चार घंटे लास्ट कर जाती है सो नेक्स्ट ब्रांड प्रॉमिस है वाटरप्रूफ देखो बाकी लिपस्टिक की तरह पानी पीते हुए या कुछ करते हुए वैसे तो नहीं निकल के आती अगर आप बारिश में भी खड़े हो तो नहीं निकल के आएगी उस तरह से ये वॉटर डेफिनेटली है बट ऑब्वियसली ओवर फ्यू आवर्स ये लाइटर हो जाती है बिकॉज ना ये बहुत ज्यादा ट्रांसफर प्रूफ नहीं है सी हल्का हल्का सा इसका कलर निकल के आता है इफ यू कैन सी तो इतना इतना निकल के आता है तो डेफिनेटली ट्वेल्व आवर्स कहां से स्टे करेगी बाकी देखो लाइट वेट है सॉफ्ट मैट बोला है तो सॉफ्ट मैट है इसमें जो 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 बॉय वाइटामिन e की बात करी है डेफिनेटली वो लिप्स को मॉइस्चर रखते हैं बाकी मैट लिपस्टिक की तरह लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करते हैं एक बार ये अप्लाई करो वन स्ट्रोक एप्लीकेशन है नो no डाउट बहुत अच्छा पिगमेंटेशन आता है लिप्स को बिल्कुल भी चैपी नहीं करती है स्मूद और सॉफ्ट लिप्स रहते हैं तो आप 12 आवर्स तक अगर ये लोग इस तरह से बोले कि आप 12 आवर्स तक इसको वेयर कर सकते हैं उतनी ये कंफर्टेबल है तो हा डेफिनेटली आप इसे 12 आवर्स तक वेअर कर सकते हो बिकॉज ये उतनी कंफर्टेबल है बट आपको उसको री अप्लाई करना पड़ेगा बस इतना ही है लेकिन आप आराम से 12 घंटे पहन सकते हो बिकॉज बहुत सारी ना लिक्विड लिपस्टिक लोग इसलिए ही अवॉइड करते हैं क्योंकि उनके लिप्स चैप्ड हो जाते हैं बहुत अजीब सा टेक्सचर हो जाते है लिप्स के ऊपर वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है इफ यू कैन सी देखो अभी भी मैट लग रही है मेरी लिपस्टिक बट इट इज अ बुलेट लिपस्टिक क्रीम फॉर्मूला इसका लेकिन अगर मैं अप्लाई करू तो ये मैट ही लगती है लिप्स के ऊपर तो उस हिसाब से आप इसको आराम से बारह घंटे पहन सकते हो इट इज वेरी कंफर्टेबल टू वेयर ट्रैवल फ्रेंडली साइस में आती है और गर्मियों में पिघलती नहीं है तो आराम से आप ट्रैवलिंग के वक्त भी इसको कैरी कर सकते हो री एप्लीकेशन बहुत आसान है इसका मैट इफेक्ट देती है तो गाइज यही था इस लिपस्टिक के बारे में इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ बट मैं नेक्स्ट वीक ना मामा की एक और न्यू लॉन्च लिपस्टिक्स लेकर आने वाली हूँ और उसके शेड्स भी मेरे पास ज्यादा होंगे तो याद से सब्सक्राइब कर लेना वरना आप भूल जाओगे एंड बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए तो गाइज दैट वॉज ऑल फॉर टूडे सी यू पीपल एंड ट